प्रभु राम समुद्र को पार करने के इच्छुक थे और कई दिन बैठकर समाधि में स्थित थे, प्रार्थना कर रहे थे समुद्र देवता से, आप कृपया करके आप मुझे मार्ग प्रशस्त कराएं। तो 7 दिन प्रभु समाधि में बैठे थे, लगे थे, ध्यान लगा रहे थे, फिर भी समुद्र देवता एक नहीं माने। तो प्रभु राम बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, क्रोध भरे नेत्रों से दृष्टिपात की महासागर की ओर, और महासागर के ऊपर जो पानी, जो भरा पानी है, पानी उबलने लगा। जिस प्रकार हम किसी को चूल्हे पे या गैस पे पानी को रखते हैं, कैसे उबलता है, उस प्रकार प्रभु के क्रोध भरे नेत्रों के दृष्टिपात से महासागर का पानी उबलने लगा। हम देखते हैं तो छोटे से ग्लास का पानी भी उबलता नहीं, परंतु प्रभु राम ने जब अपने नेत्रों से, क्रोध भरे नेत्रों से, प्रकोप भरे नेत्रों से दृष्टिपात किया, तो पूरा महासागर उबलने लगा, पानी उबलने लगा। तब समुद्र देवता बाहर प्रकट हुए, कहने लगे, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे लगा आप नर लीला कर रहे हैं, मानव जैसे लीला कर रहे हैं, और कोई भी मानव के लिए मैं मार्ग प्रशस्त नहीं कराता, मैं मार्ग दर्शन नहीं कराता, तो आप नर लीला कर रहे थे, तो मैं उस योग्य सेवा कर रहा था, मैं मार्ग नहीं दे रहा था, परंतु आप अब भगवत स्वरूप में स्थित होकर मेरे पानी को उबालने लगे, तो यदि आप भगवान का आप अगर रोल प्ले कर रहे हैं, आप उस पक्ष में हैं, तो इस पक्ष में मैं भक्त हूं, मैं कोई समुद्र देवता नहीं हूं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका भक्त हूं, आपका दास हूं, तो आप मुझे स्वीकार। ऐसे करके सेतु बंधन हुआ, क्योंकि प्रभु ने अपने नेत्रों, इतने वीर्यवान पुरुष भगवान श्री रामचंद्र की नेत्र के, क्रोध भरे नेत्र के दृष्टिपात मात्र से उन्होंने महासागर के पानी को उबलने के लिए ये करा दिया। तो फिर ये सब अलग अलग प्रमाण है भगवान के वीर्यवान, या शक्ति, या भगवान की कितनी क्षमता है, बल जितना है उसका उदाहरण। एक और उदाहरण मैं देता हूं।